नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी विथ स्मार्टनेस के साथ। आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, आपका परिवार बहुत ही अच्छा होगा। हमेशा यूं ही मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए स्टडी विथ स्मार्टनेस के साथ। और हाँ फ्रेंड्स, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंडों में शेयर कीजिए, और अगर मेरा प्रयास अच्छा लगता है तो फ्रेंड्स को एक लाइक कीजिए। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं संस्कृत के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो कि नेक्स्ट एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। इसी के साथ अपन टॉप 50, हाँ फ्रेंड, टॉप 50 क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो आप बताएंगे आपके 50 आउट ऑफ कितने मार्क्स आ रहे, और मेरा प्रयास कैसा लग रहा है फ्रेंड्स, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ अपन क्वेश्चन की शुरुआत करने जा रहे हैं, जो इस प्रकार है। छ मिलकर बना है फ्रेंड्स, आपके सामने चार ऑप्शन दिए हैं, आप बताएं करेक्ट आंसर। का और सा से, का और छा से, चा और छा से, चा और सा से। तो आई होप फ्रेंड्स आपने आपका आंसर लगा लिया होगा। करेक्ट आंसर मैं बताने जा रहा हूँ, छ किससे मिलकर बना है। तो फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर का और सा से, करेक्ट आंसर, बाकी सारे इनकरेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलेंगे फ्रेंड्स अपन। इनमें से कौन सा अनुनासिक नहीं है? फ्रेंड्स, आपको अनुनासिक वर्ण बताना है, कौन सा अनुनासिक नहीं है। तो आपने सुना होगा फ्रेंड्स, इयमंगणनम, इयमंगणनम, ये अनुनासिक व्यंजन होते हैं फ्रेंड्स। तो आप बताइए इनमें से कौन सा आपको अलग दिख रहा। तो य ना मा करेक्ट है, रा अलग से फ्रेंड्स, रा अलग से, तो करेक्ट आंसर यही होगा, बाकी सारे इनकरेक्ट माने जाएंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलेंगे फ्रेंड्स अपन। माहेश्वर सूत्र में कौन सा वर्ण सूत्रांत में दो बार प्रयोग होता है? फ्रेंड्स, आपके सामने चार ऑप्शन दिए हैं, आप बताएं करेक्ट आंसर। तो आई होप फ्रेंड्स आपने आपका आंसर लगा लिया होगा। करेक्ट आंसर मैं बताने जा रहा हूँ, तो ली ली करेक्ट आंसर जाएगा, ली। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलेंगे फ्रेंड्स अपन। निम्नलिखित किन वर्णों में से किस वर्ण का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ है? फ्रेंड्स, आपके सामने चार ऑप्शन दिया थे, आप बताएं करेक्ट आंसर। किन वर्ण का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ है? तो आई होप फ्रेंड्स आपने आपका आंसर लगा लिया होगा। करेक्ट आंसर मैं बताने जा रहा हूँ, तो क्या माँ है, वाह है, माँ है, या है, का है? आई होप फ्रेंड्स आपने आपका आंसर लगा लिया। करेक्ट आंसर वकारस्य दंतोष्ठम अस्ति, वकारस्य दंतोष्ठम अस्ति। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलेंगे फ्रेंड्स अपन। ग व्यंजन है फ्रेंड्स, ग कौन सा व्यंजन है? आपके सामने चार ऑप्शन दिए, आप बताएंगे। क्या अंतस्थ व्यंजन है, क्या ऊष्म व्यंजन है, स्पर्श व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन? तो जब तक आप आपका आंसर बताएंगे, जब तक मैं इनके बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब किए दे रहा हूँ फ्रेंड्स, ग वगैरह के बारे में। तो अंतस्थ व्यंजन कौन से होते फ्रेंड्स? या, रा, ला और वा फ्रेंड्स, ये कहलाते हैं अंतस्थ व्यंजन। ऊष व्यंजन कौन से होते फ्रेंड्स? सा, सा, सा और हा, ये फ्रेंड्स होते ऊष व्यंजन। स्पर्श व्यंजन का से लेकर मा तक, का से मा तक, इसको बोलते हैं काद्योम अवसनाम स्पर्श व्यंजनम अस्ति। अब संयुक्त व्यंजन छा, त्रा, ग्या और स्रा, ये सारे संयुक्त व्यंजन होते। तो फ्रेंड्स आई होप आपने आपको उनसे लगा लिया होगा। करेक्ट आंसर स्पर्श व्यंजन गा का कौन सा होगा? तो स्पर्श व्यंजनम करेक्ट आंसर, काद्यो मामासनम स्पर्श व्यंजनम अस्ति, स्पर्श व्यंजन करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलेंगे फ्रेंड्स अपन। महर्षि पाणिनि ने संस्कृत की वर्णमाला को विभाजित किया है। महर्षि पाणिनि ने संस्कृत की वर्णमाला को कितने विभाजित किया है, आप बताएं करेक्ट आंसर। तो आई होप फ्रेंड्स आपने आपका आंसर लगा दिया होगा। महर्षि पाणिनि ने संस्कृत की वर्णमाला को 14 प्रत्याहारों में विभाजित किया है, 14 करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलेंगे फ्रेंड्स अपन। और हाँ फ्रेंड्स, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंडों में शेयर कीजिए। अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी होती है, आप बताएंगे आपके हिसाब से। आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं अनुनासिक वर्णों की संख्या, क्या तीन है, चार है, दंत है, मूर्धा है? तो आई होप फ्रेंड्स आपने आपको आंसर लगा लिया होगा। अनुनासिक व्यंजन की संख्या चार होती है, करेक्ट आंसर चार।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलेंगे फ्रेंड्स अपन। री का उच्चारण स्थान है फ्रेंड्स, री का उच्चारण स्थान कौन सा? आपके सामने चार ऑप्शन दिए हैं, कंठ है, मूर्धा है, दंत है, ओष्ठ है। आई होप फ्रेंड्स आपने आपका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका जब तक आप आपका आंसर लगाएंगे तब तक मैं इनके बारे में बता रहा हूँ। तो फ्रेंड्स कंठ किससे होता है? अकुहा विसर्जनीय कंठा, अकुहा विसर्जनीय कंठा। ऋतु रसणम मूर्धा, ऋतु रसणम मूर्धा, ऋतु रसणम मूर्धा। अब वकारस दंतोष्ठम, वकारस दंतोष्ठम, वकारस दंतोष्ठम और उपमधनीय ओष्ठौ, उपमधनीय ओष्ठौ। तो ये आएंगे फ्रेंड्स। तो ऋषि का क्या आएगा फ्रेंड्स? ऋतु रसणम तालु। तो करेक्ट आंसर फ्रेंड्स। आई होप आपने आपका आंसर लगा लिया होगा। करेक्ट आंसर फ्रेंड ऋतु रसणम मूर्धा होता है, ऋतु रसणम मूर्धा। तो ऋतु रसणम मूर्धा करेक्ट आंसर फ्रेंड्स, ऋषि का मूर्धा करेक्ट आंसर जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलेंगे फ्रेंड्स अपन। ऊ स्वरस्य उच्चारण स्थानम भवति, ऊ का उच्चारण स्थान क्या होगा फ्रेंड्स आप बताएंगे? तो आई होप आपने आपका आंसर लगा दिया होगा। जस्ट मैंने अभी इसके पहले बताया था उपमधनीय ओष्ठौ, तो ऊ का उच्चारण स्थान ओष्ठ करेक्ट आंसर। ना मूर्धा होगा, ना तालु होगा, ना कंठ होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते फ्रेंड्स अपन। था व्यंजनों का उच्चारण कौन सा है फ्रेंड्स? आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं, आप बताएंगे? तो इचु यसनम तालु, ऋतु रसणम मूर्धा और अकुहा विसर्जनीय कंठा, लितु लसनम दंता। तो ता था दा धा, लितु लसनम दंता। तो फ्रेंड्स था किससे आएगा? दंता करेक्ट आंसर, दंता करेक्ट आंसर। ना कंठ होगा, ना मूर्धा होगा, ना तालु होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलेंगे फ्रेंड्स अपन। मनोरथ का उदाहरण कौन सा फ्रेंड्स? आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं, आप बताएंगे? मनोरथा का क्या स्वर संधि है, व्यंजन है, विसर्ग है, प्रकृति भाव है? तो आई होप फ्रेंड्स आपने आपका आंसर लगा लिया होगा। मनोरथा का करेक्ट आंसर विसर्ग संधि। विसर्ग संधि कैसे होगा? मना प्लस रथा, मना प्लस रथा करेक्ट आंसर जाएगा फ्रेंड्स। तो विसर्ग संधि करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलेंगे। धीसा पद में संधि फ्रेंड्स, धीसा पद में कौन सी संधि? आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं, आप बताएं करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड्स धी प्लस ईसा, मतलब बड़ी ही छोटी ही मिलकर के बड़ी ही का निर्माण हो रहा फ्रेंड्स। तो करेक्ट आंसर दीर्घ संधि, दीर्घ संधि करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलेंगे फ्रेंड्स अपन। अलम करोति इत्यस्य संधि विच्छेदम किम भवति, अलम करोति का संधि विच्छेद क्या होगा फ्रेंड्स? आपके सामने चार ऑप्शन दिए, आप बताएं करेक्ट आंसर। आई होप फ्रेंड्स आपने आपका आंसर लगा लिया होगा। करेक्ट आंसर मैं बताने जा रहा हूँ, अलम करोती का करेक्ट आंसर क्या? अलंग करोती। आई होप फ्रेंड्स आपने आपका आंसर लगा लिया होगा। करेक्ट आंसर अलम करोती करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलेंगे फ्रेंड्स अपन। महाचित्रम इत्यस्मिन् केन सूत्रेण संधि भवति, महाचित्रम जो फ्रेंड्स दिया है इसमें कौन सा सूत्र लगेगा, आप बताएं करेक्ट आंसर। तो आई होप फ्रेंड्स आपने आपका आंसर लगा लिया होगा। महाचित्रम का कौन सा सूत्र आएगा? तो इस्तो इस्नश्चु करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलेंगे फ्रेंड्स। कस्मिंचित् पदे पदस्य संधि विच्छेद अस्ति फ्रेंड्स, इसका संधि विच्छेद क्या होगा? कस्मिंचित् दरण्ये। तो आई होप फ्रेंड्स आपने आपका आंसर लगा लिया होगा। करेक्ट आंसर मैं बताने जा रहा हूँ। तो इसका करेक्ट आंसर फ्रेंड्स कस्मिंचित् अरण्य करेक्ट आंसर फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर वी करेक्ट आंसर, कस्मिंचित् अरण्य करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलेंगे। कालौ गच्छति किम सूत्र के अनुसार संधि की गई है? कालौ गच्छति, तो आई होप फ्रेंड्स आपने आपका आंसर लगा लिया होगा। कालौ गच्छति में कौन सा सूत्र लगा है? आदगुणा है, हसीचा है, ससजोसुर, अतुरोलोप्तु। तो फ्रेंड्स आपने आपका आंसर लगा लिया होगा। करेक्ट आंसर मैं बताने जा रहा हूँ, कालौ गच्छति में सुसजोसुर करेक्ट आंसर।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलेंगे फ्रेंड्स अपन। भावनेश लक्ष्मी पद का संधि विच्छेद क्या होगा? फ्रेंड्स आपके सामने चार ऑप्शन दिए, आप बताएं करेक्ट आंसर। भावनेश लक्ष्मी पद का संधि विच्छेद क्या है? तो आई होप फ्रेंड्स आपने आपका आंसर लगा लिया होगा। करेक्ट आंसर मैं बताने जा रहा हूँ, तो भावनेश लक्ष्मी का करेक्ट आंसर भावनेशु लक्ष्मी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर, नो फ्रेंड्स भावनेशु लक्ष्मी सेकंड वाला करेक्ट आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलेंगे फ्रेंड्स अपन। हरीश का संधि विच्छेद क्या होगा? फ्रेंड्स आपके सामने चार ऑप्शन दिए, आप बताएं करेक्ट आंसर। आई होप फ्रेंड्स आपने आपका आंसर लगा लिया होगा। करेक्ट आंसर मैं बताने जा रहा हूँ, हरि प्लस ईसा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलेंगे फ्रेंड्स, तो इसमें संधि कौन सी है? तो दीर्घ संधि। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलेंगे फ्रेंड्स अपन। शांतः में किस सूत्र के अनुसार संधि की गई है? फ्रेंड्स शांतः में कौन सा सूत्र के अनुसार संधि की गई है? आप बताएं करेक्ट आंसर। आपके सामने चार ऑप्शन दिए हैं, क्या झला जसवंत है, मोहनुस्वार है, अनुवरस्य अभिप्रस्वण है, खरीचा। तो आई होप फ्रेंड्स आपने आपका आंसर लगा लिया होगा। करेक्ट आंसर शांता में झला जसवंत करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलेंगे फ्रेंड्स अपन। तत्चलम किस सूत्र के अनुसार संधि की गई है? तत्चलम आपके सामने चार ऑप्शन दिए, आप बताएं करेक्ट आंसर तत्चलम का। तो आई होप फ्रेंड्स आपने आपका आंसर लगा लिया होगा, क्या तत्चलम का खरीचा है, स्तो सचना सुचु है, इष्टना इष्टु है, इनमें से कोई नहीं। तो आई होप फ्रेंड्स आपने आपका आंसर लगा लिया। करेक्ट आंसर तत्चलम का इस्तो इस्चुना इस्चु करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलेंगे फ्रेंड्स अपन। पुनः रमते में कौन सी संधि है? फ्रेंड्स आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं, आप बताएं करेक्ट आंसर। आई होप फ्रेंड्स आपने आपका आंसर लगा लिया होगा। पुनः रमते की संधि कौन सी है? क्या विसर्ग है, व्यंजन है, स्वर है, हल है? तो फ्रेंड्स आपने आपका आंसर लगा लिया। पुनः रमते की करेक्ट संधि पुनः प्लस रमते विसर्ग संधि। पुनः पुनः प्लस रमते में विसर्ग संधि करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलेंगे फ्रेंड्स अपन। पंचगवनम में समास है, आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं, आप बताएं करेक्ट आंसर। पंचगवनम में कौन सा समास है? आई हो फ्रेंड्स आपने आपका आंसर लगा लिया होगा। पंचगवनम का करेक्ट आंसर बहुव्रीहि समास करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलेंगे फ्रेंड्स अपन। भूतवली पद में कौन सा समास है? फ्रेंड्स आपके सामने चार ऑप्शन दिए, आप बताएं करेक्ट आंसर। भूतवली पद में कौन सा समास है? भूत की बलि करने वाला, भूत की बलि करने वाला करेक्ट आंसर तत्पुरुष समास की संबंध तत्पुरुष। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलेंगे फ्रेंड्स अपन। पंचवटी में समास है। फ्रेंड्स पंचवटी पांच बटों का समूह, पांच बटों का समूह में कौन सा समास होगा? तो आई होप फ्रेंड्स अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने समास का वीडियो नहीं देखा, तो फ्रेंड्स प्लेलिस्ट में समास का वीडियो पड़ा हुआ है जो कि मैंने बहुत ही कम समय में समझाया हुआ है। तो आप प्लेलिस्ट में समास का वीडियो देखिए, आपसे सारे समास बन जाएंगे फ्रेंड्स। तो पंचवटी में कौन सा समास है? तो आई होप फ्रेंड्स आपने आपका आंसर लगा दिया होगा। करेक्ट आंसर पंचवटी पांच बटों का समूह में द्विगु समास, संख्या का बोध हुआ फ्रेंड्स, द्विगु समास। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलेंगे फ्रेंड्स अपन। प्रायण उत्तरपद प्रधानम भवति, उत्तरपद प्रधान किसमें होता है? फ्रेंड्स आप बताएं करेक्ट आंसर। आई होप फ्रेंड्स आपने आपका आंसर लगा लिया होगा। करेक्ट आंसर मैं बताने जा रहा हूँ, उत्तरपद किसमें प्रधान होता है? तो क्या अव्यभाव है, तत्पुरुष है, बहुव्रीहि है, कर्मधारय है? तो फ्रेंड्स आपने आपका आंसर लगा लिया होगा। प्रायण में कौन सा करेक्ट आंसर? तो प्रायण में तत्पुरुष करेक्ट आंसर, तत्पुरुष समास करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलेंगे फ्रेंड्स अपन। नगर स्थिता इति पदे समास अस्ति, नगर स्थिता में कौन सा समास है? फ्रेंड्स आप बताएं करेक्ट आंसर। आपको टाइम दिया था 10 सेकेंड। आई होप फ्रेंड्स आपने आपका आंसर लगा लिया होगा। करेक्ट आंसर मैं बताने जा रहा हूँ, नगर में स्थित रहने वाला तत्पुरुष समास आएगा फ्रेंड्स, में मतलब अधिकरण तत्पुरुष। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलेंगे फ्रेंड्स अपन। कृष्ण के दोनों ओर ग्वाले हैं का संस्कृत क्या होगा? फ्रेंड्स आप बताएं करेक्ट आंसर।
आई होप फ्रेंड्स आपने अपना आंसर लगा लिया होगा। करेक्ट आंसर मैं बताने जा रहा हूँ, कृष्णस उभयता गोपा संति। करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलेंगे फ्रेंड्स अपन। भिक्षार्थ नाभ्यम सूत्र का उदाहरण स्थान है फ्रेंड्स। आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं, आप बताएं करेक्ट आंसर। आई होप फ्रेंड्स आपने आपका आंसर लगा लिया होगा। करेक्ट आंसर मैं बताने जा रहा हूँ, भिक्षार्थ नाभ हेतु सूत्र का उदाहरण कौन सा है? तो करेक्ट आंसर असो उपाध्याय अधीते। करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलेंगे फ्रेंड्स अपन। चाहिए अर्थ में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त होता है? फ्रेंड्स आपके सामने चार ऑप्शन दिए, आप करेक्ट आंसर बताएंगे। चाहिए के अर्थ में कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है? तो आई होप फ्रेंड्स आपने आपका आंसर लगा लिया होगा। चाहिए के उसमें लोट लकार होता है फ्रेंड्स, लोट लकार में तुमुन। करेक्ट आंसर होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलेंगे फ्रेंड्स अपन। अकार्यन शब्द में कौन सा प्रत्यय है फ्रेंड्स आपके सामने, आप बताएं करेक्ट आंसर। तो आई होप फ्रेंड्स आपने आपका आंसर लगा लिया होगा। करेक्ट आंसर मैं बताने जा रहा हूँ, अकार्यन में इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर फ्रेंड्स, अकार्यन में इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलेंगे फ्रेंड्स अपन। कारका में यदि प्रकृति क्रा है तो प्रत्यय क्या है? कारका में क्रा धातु है फ्रेंड्स, तो रोड़ल प्रत्यय है। रोड़ल प्रत्यय है फ्रेंड्स, रोड़ल प्रत्यय है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलेंगे फ्रेंड्स अपन। तो इसका रोड़ल करेक्ट आंसर फ्रेंड्स, ना घग होगा ना त्रेच हो जाना लोट होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलेंगे फ्रेंड्स अपन। उषित्व इति रूप कस्य भवते कस्य प्रत्यय से संयोगे भवति। उषित्व में प्रत्यय और धातु कौन सी होगी? आपके सामने चार ऑप्शन दिए, आप बताएं करेक्ट आंसर। तो आई होप फ्रेंड्स आपने आपका आंसर लगा लिया होगा। करेक्ट आंसर मैं बताने जा रहा हूँ, तो विषधन कित्वा। करेक्ट आंसर, ना फर्स्ट होगा ना थर्ड होगा ना फोर्थ होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलेंगे फ्रेंड्स अपन। निर्गत इति पदे प्रत्यय अस्ति। निर्गत में कौन से पद में प्रत्यय है फ्रेंड्स? आपके सामने चार ऑप्शन दिए, आप बताएं करेक्ट आंसर। तो आई होप फ्रेंड्स आपने आपका आंसर लगा लिया होगा। करेक्ट आंसर मैं बताने जा रहा हूँ, निर्गत में क्या ल्यप प्रत्यय है, कित प्रत्यय, तुमुन है, कित्वा है। तो फ्रेंड्स निर्गत में नी धातु और ल्यप प्रत्यय। करेक्ट आंसर, ल्यप प्रत्यय। करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलेंगे फ्रेंड्स अपन। क्षमावान, क्षमावान में कौन सा प्रत्यय है फ्रेंड्स? आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं, क्या तुमुन है, कित है, मतुप है, कितवतु है। तो फ्रेंड्स आई होप आपने आपका आंसर लगा लिया होगा। करेक्ट आंसर मैं बताने जा रहा हूँ, क्षमावान में कितवतु। करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलेंगे फ्रेंड्स अपन। कृति में प्रत्यय है फ्रेंड्स, कृति में कौन सा प्रत्यय? आपके सामने चार ऑप्शन दिए, आप बताएं करेक्ट आंसर। कृति में, अब आप जब तक आंसर बताएंगे अब तक मैं थोड़ा सा इनके बारे में डिस्क्राइब किए दे रहा हूँ। कितवतु जैसे लास्ट में आया था क्षमावान, तो यहाँ पे बुद्धिमान भी आ सकता फ्रेंड्स। बुद्धिमान, बुद्धिमान में कौन सा कित्वतु प्रत्यय? सेकंड आगत्य, आगत्य में पूछ सकता है तो ल्यप प्रत्यय आएगा फ्रेंड्स। अब जयतुम, में तुमन प्रत्यय आएगा फ्रेंड्स। अब गति, अगर आएगा तो कृतिन प्रत्यय आएगा। तो आई होप फ्रेंड्स आपने आपका आंसर लगा लिया होगा। करेक्ट आंसर कृति में कौन सा प्रत्यय? तो करेक्ट आंसर कितन। करेक्ट आंसर कितन। करेक्ट आंसर, ना तुमुन है, ना ल्यप है, ना कितवतु है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलेंगे फ्रेंड्स अपन। उपसर्गों की संख्या कितनी होती है? आपके सामने चार ऑप्शन दिए, आप बताएं करेक्ट आंसर। क्या 20 होती है, क्या 22 होती है, 25 होती, 27 होती। तो फ्रेंड्स उपसर्गों की संख्या 22 होती है। 22 कौन कौन सी? प्रा, परा, अप, सम, अनु, अव, निस, निर, दुस, दुर, बी, आ, नी, अभी, अपि, उप, उभरी। फ्रेंड्स इस टाइप से उपसर्गों की संख्या 22 मानी गई है। करेक्ट आंसर 22। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलेंगे फ्रेंड्स अपन। राम सदा सत्यम वदति वाक में अव्यय कौन सा है फ्रेंड्स? आपके सामने चार ऑप्शन है, आप बताएं करेक्ट आंसर। आई होप फ्रेंड्स आपने आपका आंसर लगा दिया होगा। करेक्ट आंसर मैं बताने जा रहा हूँ, राम फ्रेंड्स, राम, तो मतलब कर्ता का है। राम सदा सत्यम वदति, सत्यम वदति मतलब उसका भाव अच्छे। तो अव्यय कौन है? सदा।
सदा अव्यय है फ्रेंड्स, सदा अव्यय है करेक्ट आंसर सदा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलेंगे फ्रेंड्स अपन, परीक्षते में उपसर्ग है। फ्रेंड्स ये देखिए परीक्षते में उपसर्ग क्या है, आपके सामने ऑप्शन चार दिए गए हैं, मैंने अभी बताया आपको, तो आई होप फ्रेंड्स आपको समय मिलता 10 सेकेंड। आपने आपका आंसर लगा लिया होगा फ्रेंड्स, परीक्षते में उपसर्ग कौन सा है, करेक्ट आंसर मैं बताने जा रहा हूँ, तो परी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलेंगे फ्रेंड्स अपन, बिलपति शब्द में उपसर्ग कौन सा है। फ्रेंड्स आपके सामने चार ऑप्शन दिए, आप बताएं करेक्ट आंसर। आई होप फ्रेंड्स आपने आपका आंसर लगा लिया होगा करेक्ट आंसर, बिलपति में उपसर्ग कौन सा है, तो बिल, क्या बिल है, ये वाला बिल है, बी है, इनमें से कोई नहीं, तो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर मैं बताने जा रहा हूँ, विल करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते फ्रेंड्स अपन, माया राम दृश्यते बाच परिवर्तन करने पर परर वाक्य होगा। फ्रेंड्स आपके सामने चार ऑप्शन दिए, आप बताएं करेक्ट आंसर। आई होप फ्रेंड्स आपने आपका आंसर लगा लिया होगा, तो करेक्ट आंसर मैं बताने जा रहा हूँ, तो माया राम दृश्यते का करेक्ट आंसर अहम रामम पश्यामि करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलेंगे फ्रेंड्स अपन, पुष्पम में लिंग है, पुष्पम में कौन सा लिंग है फ्रेंड्स आप बताएं करेक्ट आंसर। तो जब तक आप आपका आंसर बताएंगे जब तक मैं इनके बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दूँ। फ्रेंड पुष्पम में पुल्लिंग किसमें आता है, जिसमें पुरुष जाति का बोध होता है फ्रेंड्स, जिसमें पुरुष जाति का बोध होता है वो किसमें आता है फ्रेंड्स, तो वो पुल्लिंग में आता है। स्त्रीलिंग में जिसमें स्त्री जाति का बोध होता है वो स्त्रीलिंग में आता फ्रेंड्स, और इसमें किसी जाति का बोध नहीं होता, फल फूल सब्जी आदि, तो ये नपुंसक लिंग में आता फ्रेंड्स। तो आपके सामने चार ऑप्शन दिए, आप बताएं करेक्ट आंसर। आई होप फ्रेंड्स आपने आपका आंसर लगा लिया होगा करेक्ट आंसर, पुष्पम में कौन सा लिंग है, तो नपुंसक लिंग करेक्ट आंसर, नपुंसक लिंग करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलेंगे फ्रेंड्स अपन, बाल के हंसते बाक में बाच परिवर्तन क्या होगा। आपके सामने चार ऑप्शन है, आई होप फ्रेंड्स आपने आपका आंसर लगा लिया होगा, बाल के हंसते बाच में परिवर्तन करेक्ट आंसर मैं बताने जा रहा हूँ, तो बाल के हंसते करेक्ट आंसर, बालका हसंती करेक्ट आंसर, बालका हसंती करेक्ट, ये सारे इनकरेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलेंगे फ्रेंड्स अपन, फलों की जाति वाले शब्द किस लिंग में आते हैं। फ्रेंड्स अभी मैंने आपको बताया फलों की जाति वाले किस लिंग में आते हैं, क्या पुलिंग में आते हैं, क्या नपुंसक लिंग में, क्या स्त्रीलिंग में, इनमें से कोई नहीं। आई होप फ्रेंड्स आपने आपका आंसर लगा लिया होगा करेक्ट आंसर मैं बताने जा रहा हूँ, फलों की जाति वाले नपुंसक लिंग करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलेंगे फ्रेंड्स अपन, पक्षकाला समय, पक्षकाल में कौन सा समय है आप बताएंगे, क्या स्त्रीलिंग में आता है, पुलिंग में आता है, उभयलिंग में आता है, तो आई होप फ्रेंड्स आपने आपका आंसर बता दिया होगा, पक्षकाल का समय उभयलिंग करेक्ट आंसर, उभयलिंग करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलेंगे फ्रेंड्स अपन, अशीति किस संख्या का वाचक है। फ्रेंड्स आपके सामने चार ऑप्शन दिए, आप बताएं करेक्ट आंसर। आई होप फ्रेंड्स आपने आपका आंसर लगा लिया होगा, अशीति किसको कहते हैं, तो दस को दशम बोलते फ्रेंड्स, दशम, चालीस को चतुर्थांश, चतुर्थांश, सिक्सटी को षष्ठी, अस्सी को अशीति। तो आई होप फ्रेंड्स आपने आपका आंसर लगा लिया होगा करेक्ट आंसर मैं बताने जा रहा हूँ, तो अशीति अस्सी को बोलते हैं, अस्सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलेंगे फ्रेंड्स अपन, सप्तविंशति शब्द का अर्थ है। फ्रेंड्स आपके सामने चार ऑप्शन दिए, आप बताएं करेक्ट आंसर। सप्तविंशति, तो फ्रेंड विंशति किसको, बीस को बोलते हैं, सप्त सात बराबर सत्ताईस, तो सत्ताईस कहाँ लिखा फ्रेंड्स, वी करेक्ट आंसर, वी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलेंगे फ्रेंड्स अपन, सप्त चत्वारिंशत कौन सी संख्या। फ्रेंड्स आपके सामने चार ऑप्शन दिए, आप बताएं करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड्स अब इसी को कैसे रिलेट करना सीखे, चत्वारिंशत मतलब चालीस, सप्त मतलब सेवन बराबर 47 करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलेंगे फ्रेंड्स अपन, 47 करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलेंगे, नवति, नवति में करेक्ट आंसर फ्रेंड क्या होगा, तो 70 को क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, सप्तति, 19 को
एकोनविंशति, 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 एकोनविंशति बोलेंगे फ्रेंड्स। और 29 को क्या बोलेंगे फ्रेंड्स? 29 को नवविंशति, नवविंशति या एकोन, एकोन त्रिंशत, नव त्रिंशत या एकोन त्रिंशत। और नवति 90 को बोलेंगे, नवति 90 को। करेक्ट आंसर 90। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलेंगे फ्रेंड्स अपन। त्रीणी, त्रीणी पद का अर्थ क्या होगा फ्रेंड्स, आप बताएं करेक्ट आंसर। तो आई होप फ्रेंड्स आपने आपका आंसर लगा लिया होगा। त्रीणी पद का करेक्ट आंसर 3। बाकी के क्या हैं फ्रेंड्स? तो त्रिंशत, 30 को त्रिंशत बोलते हैं फ्रेंड्स, त्रिंशत। अब 13 को त्रयोदश, त्रयोदश। बाकी 3 को त्रीणी, 23 को क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? 23 को त्रिविंशत, त्रिविंशत करेक्ट आंसर ऐसा जाएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलेंगे फ्रेंड्स अपन। नौ चत्वारिशत संस्कृत की संख्या को क्या कहते हैं, आप बताएंगे करेक्ट आंसर। नौ चत्वारिशत, तो फ्रेंड्स चत्वारिशत मतलब 40 प्लस नौ मतलब 9, तो बराबर 49। तो 49 कहाँ है फ्रेंड्स? सी करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड्स इसी के साथ अपना टॉप 50 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। मेरा प्रयास कैसा लगा फ्रेंड्स आपको, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके 50 आउट ऑफ, हाँ फ्रेंड्स आपके 50 आउट ऑफ कितने मार्क्स प्राप्त हुए आप कमेंट करके बताइएगा। और आप अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आपको थोड़ा भी यूजफुल लग रहा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ डेली प्रैक्टिस करवाई जा रही जो कि पूरे एग्जाम की दृष्टि से है। तो एग्जाम की दृष्टि से आपको प्रैक्टिस करवाई जा रही जो कि आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहिए, बने रहिए चैनल के साथ। जब तक मिलते हैं अगले वीडियो में इससे भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। ओके, टेक केयर, बाय बाय।